बीजेपी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है इस समय राजस्थान के अंदर, सीपी जोशी की अगुवाई में ये मीटिंग हो रही है और सारे कैंडिडेट्स को तलब कर लिया गया है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में सिर्फ टव्वल की स्थिति पैदा हो सकती है जैसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आपस में ब्लेम गेम शुरू हो गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर दिया है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन बड़ी खबरों पर न्यूज 18 की नजर हमेशा से है और आगे भी रहेगी। और इस चुनाव में जो तीन रोड शो हुए, जहां जहां से मोदी जी का रथ निकला वहां वहां तो जमानत जब्त हो रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। और ये जो बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये जो बीजेपी, एमआईएम और बीआरएस की जो जुगलबंदी है उसको जनता ने समझा, और वो बाय बाय केसीआर का जो नारा हमने दिया था उसको जनता ने खुले बाहों के साथ स्वागत। मध्य प्रदेश की बात, नीरज जी एक मिनट, नीरज जी मोदी जी का रथ कहां कहां निकला आपको पता होगा, भारत जोड़ो राजस्थान से कहां कहां से निकली थी सर, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कहां कहां से निकली थी? राजस्थान 33 सीटों से निकली थी अगर मैं गलत नहीं, देखिए 33 सीट्स। जी जी नीरज जी को बोलने दें। नीरज जी देखिए, जैसे कि कोटा में आप लोग शुरू से कह रहे थे कि हमारे कल्ला साहब का चुनाव थोड़ा कमजोर चल रहा है, धारीवाल साहब का चुनाव कमजोर चल रहा है, पीछे चल रहे हैं, जिस पॉकेट से राहुल गांधी कल्ला साहब पीछे चल रहे हैं वहां पे सर अभी। अच्छा, ये लेटेस्ट अपडेट होगा, लेकिन पिछला अपडेट जो मेरे पास था उसके हिसाब से वो आगे चल रहे थे। लेकिन जहां जहां भी भारत जोड़ो यात्रा गई है वहां पर आपको ये दिखा होगा कि लोगों ने उत्साह के साथ कांग्रेस को वोट किया है। आप ये सोचिए, जो नफरत का बाजार है, भारत जोड़ो यात्रा तो सीटें तो नहीं आ रही ना, राजस्थान में आ रही है ना, मध्य प्रदेश में आ रही है और छत्तीसगढ़ में आप अपनी सरकार ऐसे गंवा रहे हैं कि आधी दुगनी से ज्यादा सीटें, कांग्रेस 29 पर है, बीजेपी 59 पर है। तो ये अभी कहना कि अब ये था और वो था, अब बचा नहीं है उसमें कुछ कहने को, नहीं हो सकता है भारत जोड़ो का ही असर हो, 69 ज्यादा आ सकती थी भारत जोड़ो की वजह से ना कम हो गई। विश्लेषक कह रहे थे कि अभी भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें बहुत सारी परिवर्तन की उम्मीद है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, अगले दो घंटे रुक जाइए, दो घंटे के बाद इसका विश्लेषण करेंगे। 59 तो पहुंच ही गई है बीजेपी, और थोड़ा सा इंतजार करने में सीटें बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सीटें बढ़ रही है क्योंकि 50 से सफर शुरू करा था, 60 तक पहुंच गई है, इंतजार और करेगा ये तो डबल हो गया जी, और अगर इंतजार और करेगा तो 60 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन दो चीजें बहुत साफ है, एक तो राजस्थान में कई कैबिनेट मंत्री हार रहे हैं, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ अपनी सीट अब जीत रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। जफर इस्लाम को बोलना चाहिए जो सीएम